हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में फ्रिक्शन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें सिंपल फ्रिक्शन का 14th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स पी दैट विल जस्ट स्टार्ट द सिस्टम ऑफ ब्लॉक एज शोन इन फिगर मूविंग टू द राइट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अंडर ईच ब्लॉक इज 0.3। तो देखिए, क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो चलो हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सोल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स पी। ये जो फोर्स पी है, देखो यहां पर फोर्स पी, ये यहां पर दो ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का वेट है 300 न्यूटन, ब्लॉक बी का वेट है 200 न्यूटन, ठीक है। और ये दोनों ब्लॉक जो है वो सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक है। ये जो ब्लॉक ए है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है और ब्लॉक बी जो है वो एक इंक्लाइन सरफेस पे रखा है। ये इंक्लाइन सरफेस कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहां पे स्लोप दिया है। ये स्लोप से हम आसानी से ये सरफेस का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो दोनों ब्लॉक है वो एक केबल के थ्रू, एक कॉर्ड के थ्रू यहां पे कनेक्टेड है। देखो ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड के थ्रू दोनों जो ब्लॉक है वो कनेक्टेड है। और ये जो कॉर्ड है ये एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर से होते हुए पास हो रहा है। देखो ये जो पुल्ली दी है ये एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, ये डायग्राम में ही ऐसा दिया है कि ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। और अब ये जो फोर्स पी है, देखो फोर्स पी से ये ब्लॉक को पुल किया जा रहा है और पुल करने की वजह से ये जो ब्लॉक है ये राइट साइड में मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन में भी लिखा है कि फोर्स पी के वजह से राइट साइड में ये जो सिस्टम है ये राइट साइड में मूव करने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स पी। लीस्ट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, लीस्ट। इसका मतलब हमें फोर्स पी का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। लीस्ट यानी मिनिमम, यानी फोर्स पी का कम से कम कितना वैल्यू होगा ताकि ये ब्लॉक राइट साइड में मूव करे, वो हमें फाइंड आउट करना है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ये जो फोर्स पी है वो ऐसा इंक्लाइन है, अगर वो इंक्लाइन है तो वो कितना डिग्री से इंक्लाइन है वो दिया हुआ नहीं है। यहां पे एंगल है अल्फा, हमें ये एंगल अल्फा भी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिना अल्फा के हम फोर्स पी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, समझ गए। क्वेश्चन में क्या दिया था, डायग्राम आपको क्या दिया है वो समझ में आ गया। अब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करते समय सबसे पहले हम यहां पर ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएंगे, क्योंकि यहां पे हमें फोर्स पी फाइंड आउट करना है, वो ब्लॉक ए के ऊपर अप्लाई किया है। तो चलो सबसे पहले ब्लॉक ए का एफबीडी बनाओ, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर एफबीडी कैसे ड्रॉ करना वो अगर आपको नहीं पता, तो इसके पहले हाउ टू ड्रॉ एफबीडी इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने अपलोड किए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, एफबीडी का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएंगे। अगर ब्लॉक ए के एफबीडी से फोर्स पी का वैल्यू नहीं फाइंड आउट होता है तो फिर हम जाके ब्लॉक बी का एफबीडी बनाएंगे। चलो सबसे पहले बनाते हैं एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। तो ये हमने यहां लिखा है एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, और ऐसे में ये जो ब्लॉक ए है ये हमने यहां पे एज इट इज ड्रॉ किया है, और ये ब्लॉक ए को फोर्स पी से पुल किया जा रहा है, तो ये हमने फोर्स पी यहां पे शो किया है बाय एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है। और ये एफबीडी में अब हम ये ब्लॉक का वेट शो करेंगे। ब्लॉक का वेट आपको अगर शो करना है तो हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट में आपको वेट शो करते समय वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। तो ये ब्लॉक का वेट हमने शो किया है, दैट इज सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हम वेट लिख लेंगे कितना, 300 न्यूटन, ठीक है। ब्लॉक का वेट शो करने के बाद हमें सरफेस रिएक्शन शो करना होता है, सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो। तो ये देखिए यहां पे जो ब्लॉक ए है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस रिएक्शन हमें यहां पे शो करना है, और रूल के अकॉर्डिंग सरफेस रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो करना होता है। देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है तो ये सरफेस रिएक्शन हम यहां पे शो कर रहे हैं, सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो, हम इसको कहेंगे दैट इज रिएक्शन आर ए, ठीक है इस तरह से। और अब इसके बाद हम यहां पे केबल शो करेंगे। देखो यहां पे एक लेफ्ट साइड में केबल है या कॉर्ड है, देखो ये कॉर्ड है, ए और बी जो है वो दोनों एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये कॉर्ड भी हमें यहां पे शो करना है। और जो ब्लॉक ए में जो कॉर्ड लगा है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो आपको शो करते समय भी हॉरिजॉन्टल शो करना है। देखो ऐसा हॉरिजॉन्टल है ना, तो हमें यहां पे शो करते समय भी ये हॉरिजॉन्टल ही शो करना है। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, तो वो ये कि हमेशा ध्यान में रखो केबल, वायर, थ्रेड, रोप, कॉर्ड, स्ट्रिंग, इनमें हमेशा आपको टेंशन शो करना होता है एफपीडी ड्रॉ करते समय, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट शो करना होता है। देखो ये जो कॉर्ड यहां पे लगा है, ये जो केबल यहां पे लगा है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल है, हमने वो शो किए, और रूल के अकॉर्डिंग ये केबल में हमने टेंशन शो किए, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो हम इसको कहेंगे टी,
ठीक है, टेंशन इन द केबल टी, इसलिए हमने यहां पे टी लिखा है। ओके, इस तरह से ये हमने ब्लॉक ए के एफबीडी में अभी तक इतने फोर्सेस शो किए हैं। क्या इसमें और भी कोई फोर्स हमें शो करना है? तो बिल्कुल, यहां पे एक और फोर्स हमें शो करना पड़ेगा। वो कौन सा? वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स शो करने के लिए आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि ब्लॉक कौन से साइड में मूव कर रहा है, राइट साइड में मूव कर रहा है या लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन ही शो करना होता है। तो यहां पे जो फोर्स पी है, फोर्स पी के वजह से ब्लॉक जो है वो राइट साइड में मूव कर रहा है। अगर ये ब्लॉक राइट साइड में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें लेफ्ट साइड में शो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक जब राइट साइड में मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? तो म्यू दिया है क्वेश्चन में 0.3। ठीक है, तो हमें यहां पे फ्रिक्शन अगर होगा तो हमें यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है अपोजिट टू द मोशन। मोशन राइट साइड में है तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में हम शो करेंगे। और फ्रिक्शनल फोर्स शो करते समय एक रूल है, रूल ऐसा है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन पे हमेशा परपेंडिकुलर शो करना होता है। तो ये देखिए, ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है। हम ये फोर्स को कहेंगे एफ ए, और ये जो फोर्स है ये देखो, हमने ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू आर ए शो किया है। जैसा हमने कहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमने परपेंडिकुलर का सिंबॉल यहां पर दे दिए। ओके, समझ में आया? यहां तक हमने एफबीडी में इतने फोर्सेस अभी तक शो किए हैं, लेकिन ये एफबीडी अभी भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि अब हमें इंक्लाइंड फोर्सेस को यहां पे रिजॉल्व करना है। क्या यहां पे कोई इंक्लाइंड फोर्स है? तो बिल्कुल, यहां पे फोर्स पी इंक्लाइंड है। तो ये देखो, ये फोर्स पी अल्फा डिग्री से इंक्लाइंड है। तो अगर ये इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड फोर्स को क्या करना होता है? तो इंक्लाइंड फोर्स को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, उसको रिजॉल्व करना होता है। अगर आपको इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना नहीं आता तो इंक्लाइंड फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना, हमने डिफरेंट डिफरेंट वे से रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना आपको आ जाएगा, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताए थे। ठीक है, तो वो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये देखो, हमने यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स को दो पार्ट में इस तरह से रिजॉल्व कर रहे, और इसका एंगल क्या है? अल्फा डिग्री का एंगल है। हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखेंगे कॉस। तो ये हो गया पी कॉस ऑफ अल्फा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट पी साइन ऑफ अल्फा। इस तरह से हमने पी के दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए, पी कॉस अल्फा, पी साइन अल्फा। और फाइनली ये क्या हुआ, ये एफबीडी यहां पे कंप्लीट हो गया। और अब हमें इसको सॉल्व करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, याद करो क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फोर्स पी का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, लीस्ट वैल्यू। तो चलो ये हम फाइंड आउट करेंगे अब यहां पे। और अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। हम यहां पे दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। मोमेंट कंडीशन यूज कर नहीं सकते हमें, ये बस दो कंडीशन से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलो यहां पर हम कंडीशन यहां पर अप्लाई करेंगे वन बाय वन। तो कौन सा कंडीशन पहले अप्लाई करना, तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, हम यहां सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं। तो देखते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में कुछ सॉल्व होता है या नहीं। अगर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में सॉल्व नहीं हुआ तो हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां पर जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। और समेशन करने का रूल, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं? तीन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, पी कॉस अल्फा, टी और एफ ए, तीनों का समेशन करना है। पी कॉस अल्फा राइट साइड जा रहा है प्लस मिलेंगे, ये टी और एफ ए लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसा हम लिखेंगे, पी कॉस ऑफ अल्फा प्लस में माइनस टी माइनस ऑफ एफ ए इज इक्वल टू जीरो। यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। एफ के जगह जैसा हमने कहा फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला, देखो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला अगर आपके पास नहीं लिखा है तो लिख के रखो, काफी सिंपल फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल्स टू म्यू इनटू आर। आप यहां पे एफ के जगह म्यू इनटू आर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो एफ ए है इसके जगह म्यू इनटू आर ए ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये हम लिख लेंगे पी कॉस ऑफ अल्फा माइनस टी माइनस एफ ए यानी म्यू इनटू आर ए इज इक्वल टू जीरो। यहां पर म्यू का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, म्यू का वैल्यू हमें पता है 0.3। तो यहां पर म्यू के जगह हम सीधा सीधा 0.3 ऐसा लिख लेंगे तो भी चलेगा। ये देखो हमने लिख लेंगे 0.3। फिलहाल ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें काफी सारे अननोन है, पी अननोन है, अल्फा अननोन है, टी अननोन है, आर ए अननोन है, ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन देंगे। ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लिए, अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करो। चलो देखते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई के थ्रू क्या होता है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे
तो हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन, और समेशन करने के लिए यहां पे भी एक रूल है। रूल ऐसा है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। तो ये देखिए पी साइन अल्फा ऊपर जा रहा है प्लस महंगा, 300 नीचे आ रहा है माइनस महंगा, आर ए ऊपर जा रहा है प्लस महंगा। तो ये हम यहां लिख लेंगे पी साइन ऑफ अल्फा प्लस आर ए माइनस ऑफ 300 इक्वल्स टू जीरो। देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। यहां से एक काम करेंगे, यहां से हम आर ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पी और अल्फा के फॉर्म में, ठीक है। आर ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि यहां पे वैसे भी कुछ सॉल्व नहीं होगा क्योंकि पी अल्फा आर ए बहुत कुछ अननोन है। तो एक काम करते हैं, यहां आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसे में क्या करो 300 को उधर शिफ्ट करो और ये पी साइन अल्फा को भी उधर शिफ्ट करो, तो ये आर ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सो ऐसा हो जाएगा आर ए इक्वल्स टू 300 माइनस पी साइन अल्फा। अब ये आर ए का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसका क्या फायदा होगा? तो एक काम करते हैं, ये आर ए का जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लेते हैं। आर ए का वैल्यू ये जो कुछ भी हमें मिला है इसको यहां इक्वेशन नंबर वन में पुट करो। चलो देखते हैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करने से क्या होता है। इक्वेशन नंबर वन एम्प्लॉइज, हमें इक्वेशन नंबर वन में पुट करने के बाद भी वो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसमें टी अननोन रहेगा, ठीक है। तो हमें टी का वैल्यू हमें फिर ब्लॉक बी से फाइंड आउट करना रहेगा, वो भी हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हमें काम कर लेते हैं आर ए का ये वैल्यू जैसा हमने कहा हमें यहां पे पुट करना है इक्वेशन नंबर वन में। तो देखो यहां पे पुट करना है, ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो हम लिख लेंगे पी कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, माइनस टी माइनस 0.3। देखो यहां पे 0.3 है और अब आर ए का ये वैल्यू पूरा, तो हम यहां इसको ब्रैकेट में दे देंगे 300 माइनस पी साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, इस तरह से, ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, वैसे भी ये सॉल्व नहीं होगा लेकिन जहां तक ये रिड्यूस हो रहा है थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम कुछ ऐसा लिख लेंगे पी कॉस ऑफ अल्फा माइनस टी, अब ये 0.3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 90, ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.3 पी इंटू साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो। यहां पे आपको नंबर ऑफ अननोन्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें से हमें पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पे पहले टर्म और आखिरी टर्म में से पी पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। पहले और आखिरी टर्म में से पी कॉमन लेने पर देखो क्या होगा, ये हम कुछ ऐसा लिखेंगे पी हमने कॉमन ले लिए तो ये हो गया कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, और फिर प्लस 0.3 पी साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, इस तरह से। और ये माइनस टी और माइनस 90 इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लो तो ये हम लिख लेंगे टी प्लस 90 ऐसा, ठीक है। और यहां पे अब हमें अगर p फाइंड आउट करना है तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर p इज इक्वल टू, देखो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे t प्लस 90 डिवाइडेड बाय ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस 0.3 दैट इज सॉरी यहां पे p नहीं आएगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिए, सॉरी, ठीक है, 0.3 इंटू साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, हमने वो कॉमन ले लिए थे, गलती से हमने वहां p लिख दिए थे, ठीक है, हमने ये टर्म और ये टर्म में से p कॉमन ले लिए तो यहां cos अल्फा बचा, यहां 0.3 sin अल्फा यहां पे आ गया, इसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए तो यहां तक हमने ला लिए। और फिर हमने क्या किए, ये t प्लस 90 को ये ब्रैकेट से हमने डिवाइड किए तो ये डिवाइड करने के बाद ऐसा हुआ। फिलहाल ये सॉल्व नहीं होगा, इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अभी भी हमें पी नहीं मिला जबकि क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब यहां से हमें पी मिलने वाला है, ये तो कंफर्म है, यही एक इक्वेशन है, यही से आप पी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से अगर आपको पी फाइंड आउट करना है तो पी फाइंड आउट करने के लिए यहां पे आपको दो चीजों का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक तो टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, टी यानी टेंशन, जो केबल में जो टेंशन है वो टी का वैल्यू आपको यहां पुट करना पड़ेगा, साथ ही में ये अल्फा का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। जब तक ये टी और अल्फा पुट नहीं करेंगे तब तक पी मिलने वाला नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, ये टी और अल्फा ब्लॉक बी से निकालने का प्रयास करेंगे। चलो ब्लॉक बी के तरफ चलते हैं, ब्लॉक बी का एफबीडी हम बनाएंगे, ब्लॉक बी के एफबीडी से हम टी और अल्फा फाइंड आउट करेंगे। अगर ब्लॉक बी से टी और अल्फा मिल गया तो फिर हम वो यहां पुट करके आसानी से पी फाइंड आउट करेंगे तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आया। तो चलो ब्लॉक बी का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। तो ये हमने लिखा है एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, तो ये जो ब्लॉक बी है जो कि इंक्लाइन सरफेस के ऊपर है वो हमने यहां पे शो किया है। और अब सबसे पहले हम ये ब्लॉक का वेट शो करेंगे और वेट रूल के अकॉर्डिंग हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना है। तो ये ब्लॉक का वेट हमने शो किया है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। ब्लॉक का वेट शो करने के बाद हमें सरफेस रिएक्शन शो करना है, ब्लॉक जो सरफेस के ऊपर है। तो ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है तो सरफेस की तरफ से आपको सरफेस रिएक्शन शो करना है, और रूल के अकॉर्डिंग सरफेस रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो करना होता है। तो ये देखिए यहां पे हम सरफेस रिएक्शन शो करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये ऐसा हम शो करेंगे।
और अब ये जो केबल है, ये देखो ये केबल हम शो करेंगे, अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये जो केबल है ये सरफेस को एग्जैक्टली पैरेलल है, ये जो सरफेस है सरफेस को एग्जैक्टली पैरेलल है ये केबल, तो ये केबल हम यहां पे शो करेंगे। और जैसा हमने इसके पहले के ब्लॉक में हमने जैसा बताए थे कि केबल, वायर, थ्रेड, रोप, कॉर्ड, स्ट्रिंग, इसमें हमेशा आपको टेंशन शो करना होता है और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये देखिए यहां पे हम ये जो केबल में टेंशन हम शो कर रहे हैं इसका डायरेक्शन देखिए, ये हमने आउटवर्ड शो किया है, और ये जो सरफेस रिएक्शन है इसका डायरेक्शन हम यहां पे टुवर्ड्स द सरफेस शो करेंगे, टुवर्ड्स द बॉडी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। आप यहां पे नेमिंग दे देंगे, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन को हम कहेंगे आरबी, ठीक है, रिएक्शन ऑन द ब्लॉक बी, और ये जो टेंशन है टेंशन का नाम फिर से टी रहेगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में कॉमन क्या है। तो ब्लॉक ए और बी में कॉमन है केबल, दोनों ब्लॉक जो है वो एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। देखो ये जो केबल है, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड के थ्रू, केबल के थ्रू दोनों कनेक्टेड है, और ये जो केबल है ये केबल ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर से होते हुए पास हो रहा है। ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली का यहां पे बहुत बड़ा रोल है। ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली होने का फायदा ये हो गया कि अब ये केबल के दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में जो है टेंशन सेम रहेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, यहां पे कोई भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई भी टाइप का टेंशन का लॉस नहीं होगा, जितना टेंशन यहां पे रहेगा उतना ही टेंशन यहां रहेगा, दोनों साइड में टेंशन सेम रहेगा क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। इसलिए तो जाहिर सी बात है ब्लॉक ए जितना टेंशन एक्सपीरियंस करेगा ब्लॉक बी भी उतना ही टेंशन एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इसलिए हमने ब्लॉक ए में हमने टी लिखा है तो ब्लॉक बी में भी हमने टी लिखा है, ऐसा नहीं कि इधर टी वन इधर टी टू, ऐसा नहीं, आपको दोनों साइड में टी शो करना है, दोनों जो है दोनों टेंशन जो है वो सेम है क्योंकि केबल जो है वो फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर से होते हुए पास हो रहा है। तो यहां तक हमने शो किया है, और क्या शो कर सकते हैं इसमें, यहां पे अब हमें फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर शो करना है ब्लॉक बी का, तो ब्लॉक बी का मूवमेंट आपको चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक बी कहां पे मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है फोर्स पी के वजह से ब्लॉक ए जो है वो राइटवर्ड मूव करेगा, तो अगर ब्लॉक ए राइटवर्ड मूव करेगा तो ब्लॉक बी जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर ब्लॉक बी ऊपर जाएगा इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपको डाउनवर्ड शो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक और सरफेस के बीच में यहां पर फ्रिक्शन होगा, तो ये हम फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर शो करेंगे। ये देखिए ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है डाउनवर्ड, दैट इज अपोजिट टू द मोशन, क्योंकि ब्लॉक बी ऊपर मूव करेगा तो इसलिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स नीचे शो किया है, और इसका नाम हम यहां दे देंगे एफबी। और रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिएक्शन होना चाहिए, तो ये देखिए सरफेस रिएक्शन पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमने शो किया है। और क्या शो कर सकते हैं, क्या इसमें और कोई फोर्स आएगा, तो ब्लॉक बी का हमने सबसे पहले वेट शो किए, केबल शो किए, केबल में टेंशन शो किए, सरफेस रिएक्शन हो गया, देन फ्रिक्शनल फोर्स भी हो गया, बस इतना ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये एफबीडी जो इनकम्प्लीट है हमें ये कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि अब हमें यहां पे इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, यहां पे जो कोई भी इंक्लाइंड है वो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो इंक्लाइंड फोर्स क्या है, तो यहां पे हमें काम करेंगे इसको, ये जो जो प्लेन के ऊपर है ये प्लेन के अलोंग जो एक्सिस है वो हम एक्स एक्सिस मान के चलेंगे, ठीक है। देखो यहां पे हम ये कंसिडरेशन लिख लेंगे, ये आपको लिखना, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, तो ये हमने मेंशन किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे हम लिख लेंगे एक्स और वाई, इससे ये पता चलता है कि ये जो प्लेन के अलोंग जो फोर्सेस है उनको अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसा मान के चलना है। देखो ऐसी एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये है, ठीक है। यहां पे इसके पहले जो हमने यहां पे जो एफबीडी में जो हमने सॉल्व किए थे उसमें हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस थे वो अलोंग एक्स एक्सिस थे और वर्टिकल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस थे, लेकिन यहां पे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो फोर्सेस है वो अलोंग एक्स एक्सिस रहेंगे, इसका मतलब इस टाइप के फोर्सेस हॉरिजॉन्टल रहेंगे और इस टाइप के फोर्सेस ऐसे वर्टिकल रहेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इंक्लाइन कौन हो गया, तो यहां पे टी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। देखो टी इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स क्योंकि टी एक्स एक्सिस के अलोंग है, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग है टी, ओके इसका मतलब टी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। देन ये जो एफ बी है, एफ बी ये भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्योंकि एफ बी ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है क्योंकि ये प्लेन के अलोंग है, ठीक है, इसलिए। और अब ये जो आर बी है, आर बी एक वर्टिकल फोर्स हो जाएगा क्योंकि आर बी प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस के अलोंग है, देखो ये ऐसा वाई एक्सिस के अलोंग है आर बी। और अब बचा कौन, 200, ये जो 200 है ये ना ही एक्स एक्सिस के अलोंग है और ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या हो गया, ये इंक्लाइन हो गया।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 200 को यहां पे रिजोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग इसको हमें रिजोल्व करना है, ये कंफर्म है। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जहां पे ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है, तो जब कभी भी ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है तो अगर आप ये कंसिडरेशन लेके सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर आपने ये कंसिडरेशन नहीं लिए, अगर आपने नॉर्मल वे से सॉल्व किए जैसा आपने यहां पर सॉल्व किए थे, अगर आपने नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे तो ये टी, ये आरबी, ये एफबी, यहां पे तीन इंक्लाइन हो जाएंगे, तीनों इंक्लाइन को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तीन इंक्लाइन को रिजॉल्व करने से अच्छा एक इंक्लाइन को रिजॉल्व करना अच्छा रहता है, इसीलिए आपको ये टाइप का कंसिडरेशन करना है। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम जब ब्लॉक इंक्लाइन सर्फेस के ऊपर हो, इस टाइप के प्रॉब्लम हमने लिए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से आपका उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो, यहां पर इंक्लाइन कौन है, तो हमने आपको बता दिए जो 200 है वो इंक्लाइन है, तो अगर ये इंक्लाइन है तो हमें अब इसको रिजॉल्व करना है। तो ये देखिए, हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हमने एक वर्टिकल लाइन बना दिए और अब यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अक्रॉस इसको रिजॉल्व करेंगे। इसका डायरेक्शन क्या है, देखो 200 का डायरेक्शन ऐसा इनवर्ड है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी अंदर की तरफ आएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम ये 200 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, इसको रिजॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इंक्लाइंड फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व करने के लिए उसका एंगल आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ। तो चलो एंगल फाइंड आउट करते हैं। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये कितना डिग्री से इंक्लाइंड है, तो इसका एंगल तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहां पे एक स्लोप दिया है, आप वो स्लोप का यूज करके आसानी से इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसका एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहां पे स्लोप दिया है, ये जो स्लोप है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पे ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इसके थ्रू कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है ये आप पहले डिसाइड करो, या तो हॉरिजॉन्टल का एंगल फाइंड आउट करो ये वाला, या तो वर्टिकल का एंगल फाइंड आउट करो ये वाला, चॉइस आपकी है। चलो हम एक काम करते हैं, इस बार हम ये हॉरिजॉन्टल का एंगल फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड 3 है, एडजेसेंट साइड 4 है। सो ये एंगल इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, क्योंकि टेन के फार्मूले में अपोजिट और एडजेसेंट दोनों आते हैं। ठीक है, क्या कहा, अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड 3 है और एडजेसेंट साइड क्या है, यहां पे 4 है। तो हम यहां पे टेन का फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी 3/4। तो एंगल आएगा 36.869 डिग्री का एंगल आएगा। देखो हमने आपको लिख के बता दिए, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 36.869 है अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, ये 3/4 की है, टेन इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, तो 36.869 यानी ये एंगल हमें मिल गया 36.869। तो चलो ये एंगल हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं, कितना 36.869 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये है जो प्लेन है वो कितना डिग्री से इंक्लाइन है, तो 36.869 डिग्री से इंक्लाइन है। इसका यूज करके अब ये 200 का हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। 200 का एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक काम करो, ये 200 को ऐसा नीचे एक्सटेंड करो। देखो ये 200 को, इसको समझ लो, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। देखो हमने क्या किया, 200 को नीचे एक्सटेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। देखो अब देखिए, ये जो एंगल है 36.869, ठीक है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, और देखिए ये जो हमने वर्टिकल, ये जो अभी हमने लाइन एक्सटेंड किए हैं यहाँ पे 200 की, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखो इस तरह का ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल की तरफ आप ध्यान दो, ये ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रायंगल का यूज करके ही हम एंगल फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या करो, ये 90 में से, ये जो 90 है ये 90 में से ये एंगल को सब्सट्रैक्ट करो तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 30, यहां पे ये एंगल हो जाएगा 53.13 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे एंगल लिख लेंगे, कितना 53.13। देखो ये है, थोड़ा सा इसको समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 53.13 का एंगल यहां पे निकलेगा। क्या किए हमने, 90 - 36.869 किए। ठीक है, तो 53.13 का आपको ये एंगल मिलेगा, ये वाला। ठीक है, अब इसका अपोजिट एंगल आपको यहां पे मिल जाएगा, अपोजिट, देखो एग्जैक्टली अपोजिट एंगल, जो एंगल ये है वही एंगल यहां पे है, दैट इज 53.13, और वही एंगल ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये एंगल बिल्कुल वही हो जाएगा 53.13। तो ये एंगल हम यहां पे लिख लेंगे 53.13, और फाइनली हमें एंगल मिल गया 200 का एंगल, हमें ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल मिल गया 53.13। और अब हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ये हम लिख लेंगे एक्स कंपोनेंट 200 कॉस ऑफ 53.13, और वाई कंपोनेंट हो जाएगा 200 साइन ऑफ
200 साइन ऑफ 53.13, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली ये एफबीडी हमने कंप्लीट कर लिए, 200 को रिजॉल्व कर लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां तक सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये एफबीडी में गलती करते हैं क्योंकि यहां पे एक तो एंगल नहीं दिया है, तो स्लोप से आपको एंगल फाइंड आउट करना है, ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन यहां पे आपको ये कंसिडरेशन का यूज करके 200 को रिजॉल्व करना है और रिजोल्यूशन में गलती नहीं होनी चाहिए। हमने 53.13 का एंगल फाइंड आउट किया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, यहां पर यह 90 में से ये 36.869 सबस्ट्रैक्ट किए तो हमें ये एंगल मिल गया 53.13। जितना ये एंगल उतना ये एंगल अपोजिट, और जितना ये उतना ये दैट इज करस्पॉन्डिंग, तो ये हमने यहां पे कॉस लिख लिए और ये साइड में साइन लिख लिए और ये एफबीडी कंप्लीट। चलो अब हम ये एफबीडी को सॉल्व करेंगे और यहां से क्या फाइंड आउट करना है, यहां से हमें टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हमें देखो यहां पर अल्फा तो है नहीं, वैसे क्वेश्चन यहां इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा और हमें टी चाहिए, लेकिन अल्फा तो यहां पर है नहीं लेकिन टी है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हमें यहां से टी मिल गया तो फिर वो हम टी यहां पे पुट कर लेंगे तो हमें फोर्स पी का वैल्यू मिल सकता है। तो चलो अब ये एफबीडी को हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम यहां पे सॉल्व करेंगे, ये एफबीडी का काम हो गया, इसको मिटा देंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां पर जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन, ठीक है, तो कितने वर्टिकल फोर्सेस है काउंट करो, यहां पर सिर्फ दो वर्टिकल फोर्सेस है आरबी और दूसरा 200 साइन। वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना होता है, आरबी वर्टिकली ऊपर जा रहा है इसको प्लस मिलेंगे, 200 साइन नीचे आ रहा है तो माइनस मिलेंगे, तो ये हम लिख लेंगे आरबी माइनस 200 साइन ऑफ 53.13 इक्वल टू जीरो। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो कैलकुलेटर में 200 साइन ऑफ 53.13 ऐसा लिखना है तो आंसर आएगा 160 का आंसर आएगा, और ये जो है हम लिख लेंगे आरबी माइनस 160 इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो देयरफॉर आरबी का वैल्यू हमें मिल गया 160 न्यूटन, ठीक है। तो आरबी हमने फाइंड आउट कर लिए, अब हम इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला, तो हम यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तीन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है एफबी टी और 200 कॉस, तीनों का समेशन करना है, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, तो ये देखो टी जो है वो राइट साइड जा रहा है हम प्लस में लिखेंगे, और एफ बी जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो हम माइनस में लिखेंगे, और 200 कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसको भी हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इक्वल्स टू जीरो, ओके। अब यहां पे एक काम करते हैं, एफ बी के जगह म्यू इंटू आर ऐसा हम लिख लेंगे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एफ यानी म्यू इंटू आर होता है जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, तो FB के जगह हम यहां लिख लेंगे म्यू इंटू आर, और म्यू का वैल्यू हमें पता है 0.3, और RB ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है, म्यू इंटू RB, और RB के जगह डायरेक्टली आप उसका वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ये 200 कॉस ऑफ, ये हम एज इट इज लिख लेंगे 53.13 इज इक्वल टू जीरो। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा, तो टी का वैल्यू आएगा 168, तो हम लिख लेंगे टी इज इक्वल टू 168। यहां पे माइनस में आएगा, दोनों को इसके सामने माइनस इसके सामने माइनस है तो दोनों का आपको एडिशन करना है, और फिर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हम ऐसा डायरेक्टली अब लिख लेंगे 168 न्यूटन। तो हमें क्या मिल गया, टी का वैल्यू मिल गया, यानी केबल में कितना टेंशन है, तो केबल में 168 न्यूटन का टेंशन है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा हमने कहा था इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में आपको टी और अल्फा पुट करना है तो आपको पी मिलेगा, तब जाके प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी, और P आपको यही इक्वेशन नंबर 2 से ही मिलता है। तो चलो फाइनली हमने T तो फाइंड आउट कर लिए, अब ये T का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 हम यहां पे पुट कर लेंगे और P फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज, देखो अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे सॉल्व होता है। देखो इक्वेशन नंबर 2 में P इक्वल्स टू यहां पर टी प्लस 90, तो टी का वैल्यू है अब 168 प्लस ऑफ 90 डिवाइडेड बाय दैट इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस 0.3 साइन ऑफ अल्फा, ये हमने यहां पे टी का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 258, तो हम लिख लेंगे पी इक्वल्स टू न्यूमरेटर में 258 और डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन क्योंकि यहां पे अल्फा अननोन है कॉस अल्फा प्लस 0.3 साइन ऑफ अल्फा। तो यहां पे टी का वैल्यू पुट करने के बाद भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है, देखो ये अनसॉल्व रह रहा है, यहां पे अभी भी हमें पी का वैल्यू नहीं मिल रहा है क्योंकि अल्फा हमें नहीं पता। जब तक यहां पे अल्फा पुट नहीं करते
तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। और अल्फा कोई भी एफबीडी से अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ब्लॉक ए के एफबीडी से भी अल्फा नहीं मिला, ब्लॉक बी के एफबीडी से भी अल्फा नहीं मिला, और क्वेश्चन में भी अल्फा कहीं दिया हुआ नहीं है और डायग्राम में भी अल्फा का वैल्यू नहीं दिया है। अब ये अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे बिना एंगल के, बिना ये अल्फा एंगल के आप पी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये पी फाइंड आउट करने के लिए दूसरा तरीका क्या है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स पी। क्या कहा, लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू, फोर्स पी का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको फोर्स पी का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहां पे डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करेंगे तो आपको पी का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये जो पी है ये डिनोमिनेटर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पी का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए ये डिनोमिनेटर को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और उसको जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, तब जाके डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज हो जाएगा। एक बार वो मैक्सिमाइज हो गया तो अपने आप ही हमें पी का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो चलो डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना स्टार्ट करते हैं, यानी ही डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। तो आगे की स्टेप्स हम यहां लिखेंगे, इसका काम हो गया। तो ये हमने यहां लिखा है टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स पी मैक्सिमाइज द डिनोमिनेटर, फॉर दैट डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर, यानी लीस्ट वैल्यू फोर्स पी का फाइंड आउट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है और उसके लिए डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। तो यहां पे हम वही करने वाले हैं, तो हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज डी बाय डी अल्फा ऑफ डिनोमिनेटर। क्या है डिनोमिनेटर, दैट इज कॉस अल्फा, हम लिखेंगे ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस 0.3 साइन ऑफ अल्फा और इसको जीरो के साथ इक्वेट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ साइन अल्फा, ठीक है, प्लस 0.3 कांस्टेंट है और साइन अल्फा का हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहां से अब आपको अल्फा का वैल्यू पहले मिल जाएगा, तो ये हम यहां लिख लेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.3 कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0.3, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.3, सो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 0.3। तो अल्फा का वैल्यू आपको यहां पे मिल जाएगा, हम इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 16.7, तो हम लिख लेंगे 16.7 डिग्री। तो फाइनली हमें अल्फा मिल चुका है, अल्फा कितना आएगा, दैट इज 16.7 डिग्री का आएगा। अब ये वैल्यू फाइनली ये इक्वेशन में पुट करो, देखो ये जो इक्वेशन है, हम ये इक्वेशन को एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर ए कहेंगे, अब इसमें पुट करो तो हमें फाइनली पी मिल जाएगा। तो चलो इक्वेशन नंबर ए में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है पी का वैल्यू। तो हम यहां लिख लेंगे पी इज इक्वल टू न्यूमरेटर में है 258 और डिनोमिनेटर में है कॉस अल्फा यानी कॉस ऑफ 16.7 प्लस है 0.3 साइन ऑफ अल्फा यानी साइन ऑफ 16.7। बस अब ये आसानी से आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद इसका आंसर आएगा 247.12, तो हम लिख लेंगे 247.12 न्यूटन। और फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स पी यानी फोर्स पी का मिनिमम, कम से कम कितना वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना था, तो इतना मिनिमम वैल्यू है फोर्स पी का, लीस्ट वैल्यू 247.12 न्यूटन, ये हमें मिल चुका है। इतना फोर्स, इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई करने पर जो ब्लॉक ए और बी है वो आसानी से राइट साइड में मूव करेंगे। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सिंपल फ्रिक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले जो हमने इसके 13 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।